हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम पिटमैन शॉर्टहैंड बुक की एक्सरसाइज नंबर 10 रीड करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो कर दिए चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अगर आपको शॉर्टहैंड सीखनी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में चैप्टर फर्स्ट का लिंक दे रखा है और चैप्टर वाइज में आपको प्लेलिस्ट में चैप्टर फर्स्ट से आपको शॉर्टहैंड मिल जाएगी, तो वहाँ से भी आप पूरा कोर्स सीख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, रीड करते हैं एक्सरसाइज नंबर 10। तो फर्स्ट सेंटेंस है इसके अंदर हमारा, तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है ऑन द लाइन डॉट से रिप्रेजेंट किया गया है। फिर लिखा हमारा बी, बी के बाद हम वोवल पढ़ेंगे थर्ड प्लेस का, फिर एल, तो बनेगा हमारा बिल, बिल। फिर लिखा है अबव द लाइन ओट, ओट। फिर ओट टू के बाद टू बी लिखा हुआ है, हमारा टू बी रिप्रेजेंट किया गया है ओट टू बी। फिर लिखा हमारा पी ए डी पेड, पेड के बाद है इफ वी, ये हमारा इफ वी रिप्रेजेंट किया गया है लाइन से कट के। इसके बाद हमारा लिखा है यहाँ पे ओ, ओ के बाद है देम, फॉर दी, फॉर दी, फॉर अबव द लाइन, फिर दी, फॉर दी। फिर लिखा है हमारा वुड, वी ओ डी, वुड, ओ का वोवल, वुड। हमारे फर्स्ट सेंटेंस रीड कर लिया, इसके बाद हम रीड करते हैं सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस है इसके अंदर मे वी, मे वी, मे वी के बाद है सी, सी द, सी द, सी दी, सी दी के बाद है हमारा बी, बी के बाद ऊ का वोवल पढ़ेंगे थर्ड प्लेस का, फिर के कॉन्सोनेंट बुक, बुक के बाद है विच की शॉर्ट फॉर्म विच, वाज, टू बी गिवन टू हिम। इसके बाद रीड करते हैं हम थर्ड सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस है इसके अंदर हमारा वी, वी के बाद ओ, हिम, हिम एंड अपोलो जाए, फॉर दी, डी, डिले, डिले के बाद है इन, मेलिंग दी, मेलिंग लिखा है एम एल लिंग दी, मेलिंग दी चेक, मेलिंग दी चेक लिखा हुआ। तो थर्ड सेंटेंस में हमने रीड कर लिया, अब रीड करते हैं हम फोर्थ सेंटेंस। फोर्थ सेंटेंस है इसके अंदर हमारा वी, वी के बाद ऑट टू पुट दी, पुट दी हमारे लाइन से कट के बना हुआ है पुट दी, पुट दी के बाद है मनी, मनी इन दी बैंक फुल स्टॉप, फुल स्टॉप के बाद है वी शैल डू सो इफ वी कैन, तो ये हमारा इफ वी कैन लिखा हुआ है, इफ वी कैन। तो फोर्थ सेंटेंस भी हमने रीड कर लिया, अब रीड करते हैं हम फिफ्थ सेंटेंस। फिफ्थ सेंटेंस हमारा मे वी हैव लिखा हुआ है, मे वी हैव, ए का वोवल, मे वी हैव अ कॉपी, अबव द लाइन बना हुआ वर्ड कॉपी, ओ का वोवल, डैश से फिर वाई का लास्ट में वोवल, कॉपी ऑफ द बिल, फॉर द वुड, वुड के बाद है वी बॉट ऑन दी 50 लिखा हुआ है। तो फिफ्थ सेंटेंस भी हमने रीड कर लिया, अब हम करते हैं सिक्स सेंटेंस रीड। तो सिक्स सेंटेंस लिखा हमारा ऑन द लाइन द रिप्रेजेंट किया गया है, द नेम एन ए एम, फ्लो में वर्ड बनना है नेम, नेम ऐसे बनेगा, नेम के बाद है ऑफ द, ऑफ द के बाद है बुक, जैसी, जे जे सी लिखा हुआ है, जैसी के बाद है हमारा बॉट, बॉट, वॉज, मेकिंग, लिविंग, ठीक है। तो सिक्स सेंटेंस भी हम रीड कर चुके हैं, तो सिक्स सेंटेंस हमने रीड कर लिया, इसके बाद हम रीड करेंगे सेवन सेंटेंस। सेवन सेंटेंस हमारा वी शैल गो टू दी डॉक, डी ओ के डॉक, डॉक ऑन मंडे, ऑन मंडे लिखा है ऑन एम एन डी ए वाई, मंडे टू टेक लुक एट दी बिग शिप। तो सेवन सेंटेंस भी रीड कर लिया, अब आता है हमारा एट सेंटेंस। एट सेंटेंस है इफ वी कैन गेट ईच ऑफ देम टू गिव वी शैल हैव एनफ, एनएफ के बाद लिखा है मनी टू फीड दी, ये लिखा फीड, फीड दी, फीड दी
फैमिली, फैमिली फॉर अ मंथ। तो 8 सेंटेंस भी हमने पूरा रीड कर लिया। अब रीड करते हैं हम 9 सेंटेंस। तो 9 सेंटेंस है, वी थिंक वी ऑट टू मेक अ अपील फॉर एड। तो 9 सेंटेंस भी हमने पूरा रीड कर लिया। अब रीड करते हैं हम 10 सेंटेंस। लास्ट सेंटेंस है, डू वी ओ हिम अ फी फॉर डूइंग दी जॉब। तो हमने पूरे 10 सेंटेंस रीड कर लिए हैं। तो आपको सभी सेंटेंस ऐसे ही रीड करने हैं और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप कोई मेरे चैनल पे नया है तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब। जिसको शॉर्ट हैंड सीखनी है तो उसको इस वीडियो को शेयर करें, जिससे वो शॉर्ट हैंड आसानी से सीख पाए। और प्लेलिस्ट में मैंने आपको पूरा कोर्स दे रखा है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप पूरा कोर्स शॉर्ट हैंड का सीख सकते हैं।